कमलेश शुक्ला मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नहीं चलेगी नहीं चलेगी। प्रदेश की राजधानी रायपुर में स्थित पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के आजाद हॉस्टल के छात्रों ने कैंपस में आधी रात अर्धनग्न प्रदर्शन किया। इस दौरान छात्रों ने वार्डन पर जातिगत भेदभाव का आरोप लगाया। उनका कहना था कि उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। हमारे पूर्व वार्डन कमलेश शुक्ला द्वारा प्रताड़ित हैं। पूर्व में जैसा कि आपने देखा भी होगा कि हमने मूर्ति चौक में जाकर उनके खिलाफ आंदोलन किया था। उनके द्वारा हमें बहुत ही मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया है। वे हम पे बहुत सारे लांछन लगाते थे और एक बात बताना चाहूंगा कि ये सब होने के बाद भी अभी भी उनका ये चीज रुका नहीं है। वो इंडिविजुअल बच्चों के डिपार्टमेंट जाकर बच्चों को टारगेट कर रहे हैं। उनकी उपस्थिति को लेकर और सभी को लेकर हमको टारगेट किया जा रहा है और इसमें विश्वविद्यालय के सभी शिक्षकों का भी उनको साथ मिल रहा है। यह आरोप लगाया गया था कि हम जो पूर्व में हमारे आजाद छात्रावास में गणेश भगवान जी विराजित थे उनके चंदे के पैसे द्वारा हम पिकनिक घूमने के लिए गए हैं, हम मांस मदिरा का भक्षण कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल निराधार आरोप है। ऐसा लांछन लगाने से पहले उन्हें हमें एक बार सोचना चाहिए उनको और उनके द्वारा कि हमारे हॉस्टल के कुछ जो विशेष वर्ग के बच्चे हैं उनको चिन्हांकित किया जा रहा है। एसटी वर्ग एससी वर्ग को टारगेट किया जा रहा है। उनके अटेंडेंस रजिस्टर पर लाइन मार्क कर दिया जा रहा है, उनको साइन करने से रोका जा रहा है और उनके द्वारा सर्टिफाइड भी नहीं किया जा रहा है। और उनके द्वारा जो अटेंडेंस रजिस्टर है जो कि रात में बच्चे साइन करते हैं अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं उनको अपने घर ले जाकर दो दिन तक रखे हुए थे और उसमें से 3 पेज गायब है जो कि जिसका कोई अता पता नहीं कि कहां गया कैसे गया। वार्डन के द्वारा निजी कार्य कराया जा रहा है। वार्डन की शिकायत करने पर उल्टा कुल सचिव भी उन्हें ही धमका रहे हैं। रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के शहीद चंद्रशेखर आजाद छात्रावास में बीते रात छात्रों ने हॉस्टल में रहने के बजाय पंडित रविशंकर शुक्ल की प्रतिमा के नीचे ही पूरी रात बिताई। वार्डन कमलेश शुक्ला पर FIR और कड़ी कार्रवाई की मांग पर छात्र अड़े रहे। वे वार्डन के खिलाफ नारा भी लगाते रहे। सवाल ये है कि क्या देश में आज़ादी के 75 साल बाद भी जातिवाद खत्म नहीं हुई है? मनुवादियों ने बहुजनों के इतिहास को उनके नायकों को मिटा देने की तमाम कोशिशें की, लेकिन अंबेडकरवादियों ने तमाम मुश्किलों को सहकर उसे जिंदा रखा। बहुजन कैलेंडर 2025 के जरिए हमने भी बहुजनों के संघर्ष और इतिहास को सहेजने का काम किया है, क्योंकि कैलेंडर सिर्फ तारीख नहीं बताते, इतिहास भी बताते हैं। तो आज ही ऑर्डर करिए 2025 का बहुजन कैलेंडर। बुकिंग शुरू है। ऑर्डर देने के लिए व्हाट्सएप नंबर 9711666056 पर मैसेज करें या dalit10tak@gmail.com पर ईमेल करें।